आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। क्या दीपावली की पूजा करने के तदुपरांत माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए? क्या जब भी हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो हमको ऐसे हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, ऐसे हाथ फैलाने चाहिए? बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं साहब, और मैंने भी जब लोगों के प्रश्न को सुना, यूट्यूब के अंदर देखा कि लोग पूछ क्यों रहे हैं, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र क्या है? यूट्यूब। आप लोग यूट्यूब से कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छा समझते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो अपने यूट्यूब से खूब सारा पैसा बटोरने के लिए हमको गलत शास्त्रों की जानकारी देते हैं और क्या कहते हैं, आपको आरती नहीं करनी चाहिए। अगर आप आरती करोगे तो माता लक्ष्मी रूठ के चली जाएंगी। और यूट्यूब के अंदर तो एक महापुरुष ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कह दिया कि आपके दादा परदादा पंडित जी बिल्कुल गलत करते हैं, यदि आरती करते उनको टोको, उनको रोको कि आरती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे दो निवेदन करूंगा, पहली रिक्वेस्ट तो यह करूंगा, अगर आप समझना चाहते हो तो पूरी वीडियो को सुनना, और दूसरा मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं जो लोग यह ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब के अंदर कि आरती नहीं करनी चाहिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की, मैं उनको सीधा चैलेंज करता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आइए, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मुझे कॉल कीजिए, कहाँ पर आना है, किस जगह पर आना है, आपका स्थान और मेरे शास्त्र के प्रमाण। लेकिन जो लोग यह कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, वो बताने वाले तो मूर्ख हैं, लेकिन उससे बड़े मूर्ख हम लोग हैं साहब, हम लोग। कभी आप लोगों ने हिम्मत नहीं करी उन लोगों से पूछने की कि आप जो कह रहे हैं कि आरती नहीं करनी चाहिए, किस शास्त्र में लिखा है? क्या कभी आपने हिम्मत करी? हम लोग महामूर्ख हैं कि हम किसी की भी झूठी बातों में आ जाते हैं, कभी भला होने वाला नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, यदि आप मेरे सच्चे श्रोता हो, मेरी एक भी वीडियो ऐसी देख लीजिए जहां पर मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण ना दिया हो। क्यों देता हूं मैं आपको शास्त्र का प्रमाण? इसलिए देता हूं कि आपको सच्चाई बता सकूं कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा है। मेरा यह कपोल कल्पित बात है, मैं आपको सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हूं, आपको सच्चाई से अवगत कराने के लिए बैठा हूं। और मैं उन लोगों को भी धिक्कार देता हूं जो लोग YouTube में आकर धर्म की चर्चा करते हैं लेकिन लोगों को सही रास्ता नहीं देते। मेरी YouTube में इस वीडियो के आने के बाद माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए या नहीं, इसी वीडियो पर बहुत सारी वीडियो सब बनके तैयार हो जाएंगी, मुझे पता है। जो प्रमाण मैं दे रहा हूँ, इसी प्रमाण के आधार पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मेरी इसी वीडियो को कॉपी करके अपने यूट्यूब में डालेंगे और बताएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऐसे लोगों को जो मेरी यूट्यूब में कॉपी करके डालते हैं। अच्छी बात है, आप मेरी कॉपी कीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो कीजिए, आप मेहनत क्यों नहीं करते? कम से कम आप भी तो देखिए, शास्त्र में झांकिए तो सही कि कहां लिखा है माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। इतनी तो जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनते हैं। अगर आप दो वक्त की रोटी से यूट्यूब से खा रहे हैं, जो लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको गलत गाइडेंस तो मत कीजिए, उनको गलत रास्ता तो मत दीजिए। आपका कुछ गलत बोलने से उन लोगों की भक्ति में बाधा पड़ती है, वो लोग वैसे ही करते हैं जैसा आप बताते हो, इतना विश्वास करते हैं वो लोग। इसलिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ते हुए विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कृपया आप लोगों को गलत जानकारी मत दीजिए, किसी की आस्था को चोट मत पहुंचाइए। और मेरे भाई बहन, मैं आपको प्रमाण दूंगा, विश्वास मानिए, यह प्रमाण आपकी सारी शंकाओं को दुशंकाओं को दूर कर देगा। माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए या नहीं, मैं आपको जो प्रमाण दे रहा हूं पहले उसको सुनो, फिर मैं आपको बताता हूं। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, तस्यैवानुमता लक्ष्मीं ब्रह्माणं चंडिकां तथा आदित्यं शंकरं गौरीं यक्षं गणपतिं ग्रहान् मातारं पितरं नागान् सर्वान् नीराजयते ततः। यह श्लोक भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में लिखा है। यहाँ पर मैं आपको श्लोक की संख्या और अध्याय बताने वाला नहीं हूँ, कारण क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं यूट्यूब में कि जो मेरे दिए हुए प्रमाण को बिना मेहनत के अपने यूट्यूब चैनल में बोल देते हैं, पकी पकाई खिचड़ी खाने की आदत है। यदि आप इसका प्रमाण चाहते हो तो श्लोक संख्या चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं आपको श्लोक संख्या दे दूंगा। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इस प्रमाण में लिखा हुआ है कि गणपति जी की, माता लक्ष्मी जी की, माता चंडी जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती करने से अनन्य 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 गुणाफल की प्राप्ति होती है, सबसे बड़ा प्रमाण है। कहाँ लिखा है? भविष्य पुराण में लिखा है। और दूसरा,
वो मूर्ख जो कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, माता लक्ष्मी विदा हो जाती हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अरे बुद्धिमानों जरा इतना तो समझिए कि आरती करने का, निराजन करने का अर्थ होता है कि निशेषेण विशेषेण राजनम प्रकाशनम निराजनम। निराजन का अर्थ होता है कि आपकी पूजा में कहीं कोई त्रुटि रह गई है, आपने पूजा करी लेकिन आपके पुष्पांजलि में, आपके मंत्रों में, आपकी विधि में, आपके देने में, आपकी वस्तु में, या आपके पुष्प चढ़ाने में, या आपके फल चढ़ाने में, आपके द्रव्य चढ़ाने में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, भगवान की उस पूजा की त्रुटि को परिपूर्ण करने के लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने आरती की रचना करी, अर्थात की भगवान के अंग अंग प्रत्यंग को हम प्रकाशित करते हैं और यह भाव मन के अंदर रखते हैं कि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो हे नाथ आरती के माध्यम से आप उसे परिपूर्ण कीजिए। हमारे षोडशोपचार में, बत्तीसोपचार में प्रत्येक भगवान की पूजा करने के बाद आरती का विधान है। आरती का विधान से ये नहीं कि माता लक्ष्मी चली जाएंगी, अरे समझदारों इतना तो समझ लीजिए, आरती का मतलब विदा नहीं होता, आरती का अर्थ होता है आपकी पूजा में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो वह त्रुटि परिपूर्ण हो जाए, वह त्रुटि दूर हो जाए, इसलिए आरती करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमको माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए, बहुत भाव से करनी चाहिए। वह मूर्ख है लोग जो कहते हैं कि माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। थोड़े से शब्द मेरे कठोर होंगे लेकिन दिल को आघात पहुंचा है बात सुनकर, इसलिए थोड़ी मन को पीड़ा है। और दूसरा जो कहते हैं कि माता लक्ष्मी के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, माता लक्ष्मी चली जाती है, हम ऐसे हाथ उनके लिए जोड़ते हैं जो विदा होते हैं, घर में लोग आते हैं विदा करने के लिए उनको ऐसे हाथ जोड़ते हैं, अरे भैया क्यों सांसारिक बातों को आप हमारे सनातन धर्म की वैदिक पद्धति पर डाल रहे हो, हमारे शास्त्र में हाथ जोड़ने का भावार्थ है समर्पण करना, यह दसों उंगलियां आपकी भगवान को समर्पित हो जाती है कि हमारा तन हमारा मन हमारी दसों इंद्रियां प्रभु आपके लिए समर्पित है, इसलिए हम मनोभाव के साथ भगवान के लिए हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का भावार्थ है भगवान के सामने समर्पण करना। लोग कहते हैं लक्ष्मी के सामने ऐसे हाथ फैलाने चाहिए, मैं आपको बता दूं यह तरीका बिल्कुल गलत है। जी हाँ, यदि किसी को कोई शक है या कोई मेरी बात को काटना चाहता है तो आ जाइए, शास्त्र का प्रमाण लेकर आ जाइए, मुझे बताइए कि लक्ष्मी जी के सामने ऐसे हाथ फैलाने चाहिए, कहां लिखा हुआ है, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। अन्यत्र मैं आपसे कहना चाहता हूं यह हमारे शास्त्र में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। आप लोग जानते हो कि इस तरह से हाथ फैलाकर कौन लोग बैठते हैं, कौन से धर्म में इस तरह से हाथ फैलाकर बैठा जाता है, आप लोग जानते हो। इसलिए माता लक्ष्मी के सामने ऐसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। माता लक्ष्मी आपके हाथों में कोई खजाने भरने वाली नहीं है, माता लक्ष्मी तो आपके समर्पण भाव को देखने वाली है। आप अपने घर के अंदर अच्छा कर्म कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए, पति का सम्मान कीजिए, बूढ़े माँ बाप का सम्मान कीजिए, घर के अंदर आने वाले अतिथि का सत्कार कीजिए। मैं आपको विश्वास देता हूँ आपको यूं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माता लक्ष्मी अपने आप आपकी झोली में आकर बैठेगी। लेकिन ये लक्ष्मी के सामने हाथ फैलाकर बैठना ये बिल्कुल ही गलत प्रचार लोग कर रहे हैं, बच के रहिए, ऐसा हमारे धर्म में कहीं पर नहीं लिखा। ये जानते हैं आप कौन से धर्म के अंदर होता है, तो क्यों लोगों की झूठी बातों पर आकर आप लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वस्तुतः मैंने आपको जो यह शास्त्र के प्रमाण दिए हैं आपको समझ आ गया होगा, मेरी वाणी कठोर नहीं है लेकिन इन बातों को सुनकर थोड़ा दुख होता है, इसलिए कहीं पर मैंने कुछ अपशब्द बोला हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका जीवन सदैव निरोगमय रहे, आनंदमय रहे, आप व्यर्थ की बातों से दूर रहकर केवल शास्त्र अध्ययन और शास्त्र प्रमाणों पर विश्वास करें, ऐसी मेरी आशा इच्छाएं आपसे रहेंगी। आप लोगों को मैं अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ, आपकी दीपावली सदैव जगमगाती रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके पर बनी रहे, यही मेरी मनोमंगल कामना है। आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।